माता की जय। हमारे प्यारे बच्चों की जय। धरती पर स्वर्ग कैसे बनेगा और कौन बनाएगा, कोई बता सकता है क्या? धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रेम, खुशियां, समर्पण, सद्भाव, संवेदना। यदि कोई गिर गया उसको उठा दिया हमने, वो भी स्वर्ग का एक भाग है। स्वर्ग में रहता कौन है? देवी और देवता रहते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में फालतू लोग नहीं रहते, जैसे आप लोग आए हो ना, आप लोगों के अंदर योग्यता है, अच्छी क्वालिटी है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। स्वर्ग में कौन रहता है? देवी और देवता। स्वर्ग बनेगा कैसे? पर इस बात को बार बार इसलिए पूछते हैं, बार बार इसलिए करते हैं कि बनाना हमको आपको सबको मिलकर है। कौन बनाएगा? हम सब लोग, हम सब मिलकर। आओ संवारे स्वर्ग धरा पर, मानव में देवत्व समा जाए। क्या करना है? जैसे ही हम मानव के अंदर देवता का निर्माण करते हैं, देवता बनाते हैं मानव को, वैसे ही स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही मानव राक्षस प्रवृत्ति में जाता है तो नरक जैसी स्थिति बन जाती है। हमको क्या बनाना है? स्वर्ग। तो हर मानव को हमको देवता बनाना है, और देवता मतलब देने वाला, छीनने वाला नहीं। छीनने वाला कौन होता है? राक्षस। देने वाला देवता। और जहाँ ढेर सारे देवता होते हैं भैया, है ना, जहाँ ढेर सारे देने वाले होते हैं, वो क्या हो जाता है? स्वर्ग। आप लोग सब लोग अपने हिस्से का भोजन देते हो, अपने हिस्से का काम देते हो। अभी आप लोगों ने पानी सींचा, अभी आप लोगों ने पौधों में पानी डाला कि नहीं, ठीक है। पौधे आपको कुछ बदले में तो नहीं दिए, लेकिन आपने उनको पानी दिया। बच्चे को आते हैं, आप उनको भोजन कराते, उनको प्रसाद देते, उसकी सारी व्यवस्था आप लोग करने का प्रयास करते हो। तो भैया रोक दो।